नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको डेमो क्लास में, पिछली क्लास में बहुत कुछ बताया, बस उसी डेमो क्लास को मैं आगे, जब आपको मैंने बताया था नेक्स्ट डे हम लोग जब मिलेंगे तो कुछ नए टॉपिक पर मिलेंगे यार, ठीक है। तो हमारा जो डेमो चल रहा है वेब डिजाइनिंग में, तो दोस्तों मैं उसी पर बात करूंगा। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था। किसका एग्जांपल बताया था? मैंने आपको बताया था कि नोटपैड में कैसे हम लोग एचटीएमएल के प्रोग्राम को लिखते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं, कैसे उसको ओपन करते हैं, ये सारी चर्चा मैंने पिछली क्लास में कर लिया है। तो दोस्तों, आज मैं अपने डेमो क्लास में आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग टैग्स। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, यानी डियर एचटीएमएल में हम लोग आज थोड़ा सा ये जानेंगे कि हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में बताने वाला हूं डियर। आप लोग बस बने रहिए यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में और मैं आप लोगों को बहुत कुछ दूंगा। आप लोग एकदम बिना प्रॉब्लम के ओ लेवल को बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पर, फॉर्मेटिंग टैग्स पर। आइए डियर, सबसे पहले जाने फॉर्मेटिंग टैग्स होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टैग आते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आज मैं इसी टॉपिक को लेके आया हुआ हूं। तो डियर, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मेटिंग टैग होता क्या है। आते हैं सबसे पहले, एक होता है डियर फॉर्मेट और एक होता है फॉर्मेट। दोनों में बेसिकली थोड़ा सा अंतर होता है। कभी आप लोग गलती कर दिए, अगर कह दिए सर फॉर्मेट करना है तो अलग उसका सेंस होता है, और अगर आपने कभी कह दिया सर फॉर्मेट बनाना है तो उसका सेंस अलग हो जाता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे, फॉर्मेट अलग चीज होती है और फॉर्मेट अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग की बात बताएंगे, मतलब यदि अपने एचटीएमएल कोड में यदि हमें किसी चीज को हाईलाइट करना हो, थोड़ा सा इफेक्टिव दिखाना हो, तो डियर यहाँ तो एमएस वर्ड हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। कि मान लो किसी के नाम को हमको बोल्ड करना हो तो सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर दिया, इटैलिक करना हो तो सेलेक्ट करके इटैलिक आई कर दिया, कंट्रोल आई कर दिया, अंडरलाइन करना हो तो सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दिया। डियर हम लोग पढ़ रहे हैं एचटीएमएल कोडिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एचटीएमएल कोडिंग में सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये तो काम यहाँ पे होगा नहीं। इसी को हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट टैग के अंदर पढ़ेंगे डियर। तो फॉर्मेट टैग का मतलब होता है कि HTML में हम लोग जितना भी, अगर किसी भी मैटर को इफेक्टिव बनाना चाहेंगे, उतने टैग का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डियर। तो आज बिल्कुल मैं उसी पर बात करूंगा। HTML में हम लोग फॉर्मेट टैग में सबसे इंपॉर्टेंट टैग का नाम लेके आए हैं, जिसका क्या नाम है डियर, उसका पहला नाम है बोल्ड टैग। क्या नाम है डियर? बोल्ड टैग, और शॉर्टकट में आप लोग इसको बी टैग ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ध्यान से हमारी बात को, ये हमारा पहला टैग है जिसे हम लोग फॉर्मेटिंग टैग कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग, जिसमें पहला आपका टैग आता है बोल्ड टैग, यानी बी अगर टैग कहीं लिखा है तो बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बोल्ड होता है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर हमें, मान लीजिए एचटीएमएल में अपने नाम को हाईलाइट करना हो, अपने नाम को बोल्ड करना हो, तो हमको यहाँ पे ना तो कंट्रोल बी करना है, ना तो कुछ और करना है, सिर्फ और सिर्फ टैग का इस्तेमाल करना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसी टैग का इस्तेमाल करने के लिए आज मैं आपको सबसे पहले बोल्ड टैग की बात बताऊंगा। बोल्ड टैग होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, आइए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं, इस टॉपिक को। दोस्तों, मैंने आपको बताया बोल्ड टैग का मतलब होता है, हम अपने एचटीएमएल प्रोग्राम में जब किसी भी कंटेंट को राइट करते हैं, यदि मान लीजिए हमें किसी कंटेंट को थोड़ा सा अपने पेज में बोल्ड करके देखना हो कि हमारा वो कंटेंट हमको बोल्ड फॉर्मेट में दिखे, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा अप्लाई करना होता है क्या डियर? बोल्ड टैग, यानी बी टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि आप बी टैग नहीं लगाओगे तो हमारा कंटेंट बोल्ड नहीं दिखेगा। तो डियर बोल्ड टैग का मतलब होता है जब हम अपने कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पे हमको सबसे पहले क्या अप्लाई करना है? बी टैग अप्लाई करना है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। एचटीएमएल में जो आपका बी टैग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन पहले छोटा सा सिंटैक्स लेके आते हैं। तो डियर इसका यूज हम लोग जब करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है इसका सिंटैक्स कहता क्या है, कि हमको कहाँ लगाना है,
बीटेक कहाँ अप्लाई करना है, तो आपको वही काम करना है। आप मान लीजिए किसी कंटेंट के लिए आपने मान लीजिए किया, तो बस आपको ध्यान रहे जहां पे आपको बीटेक इस्तेमाल करना है, बीटेक आपको यहाँ पे लगाना है। और ध्यान रहे डियर कि जहां पे आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है वहीं पे आप क्या करेंगे, याद करिए बीटेक को क्लोज भी कर देना है। ये तो सिंटैक्स हो गया, मतलब अपने कंटेंट में जहां जिसको बोल्ड करना है उसके पहले हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या करना है, बीटेक लगाना है, लगाने के बाद बीटेक को क्लोज कर देना है। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। यही हमारा क्या है डियर, बोल्ड टैग होता है, ध्यान रखिएगा। यही हमारा क्या है डियर, बोल्ड टैग होता है। अगर हमको बोल्ड करना है तो हमको बी टैग का इस्तेमाल हमेशा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ठीक है ये आपका बोल्ड नहीं दिखेगा। ये तो एक सिंटैक्स है। हम जब अपने टॉपिक पर डियर आएंगे तो पूरा इसका एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराएंगे, कहां बोल्ड हो रहा है, कहां इटैलिक हो रहा है, कहां अंडरलाइन हो रहा है। आई बात समझ में? चलो इसी के साथ आपका दूसरा टैग आता है बोल्ड टैग के बाद, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टैग की बात करेंगे जिसका नाम है इटैलिक टैग। क्या नाम है डियर? इटैलिक टैग पर हम लोग बात करेंगे। इटैलिक टैग क्या होता है, सबसे पहले सेकंड टैग की बात कर लें। इटैलिक नाम है, इटैलिक टैग, ये तो मैं पूरा लिख दिया इसका नाम, अभी जस्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं आई टैग। तो आई टैग डियर बोले तो क्या होता है, इटैलिक टैग। क्या होता है दोस्तों? इटैलिक टैग। अब इसका इस्तेमाल आप लोग कहेंगे सर ये क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, कहां करते हैं, तो बस उसी को मैं आपसे बताने वाला हूं, इस टैग का इस्तेमाल कहां करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो डियर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो इटैलिक टैग है, इटैलिक टैग का यूज क्या होता है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग बोल्ड टैग का इस्तेमाल किए थे आज हम सेम उसी तरीके से इटैलिक टैग का इस्तेमाल करेंगे। और इटैलिक टैग का यूज इसलिए करते हैं अगर आपको अपने कंटेंट को थोड़ा सा तिरछे रूप में करके देखना हो, जैसे आप लोग वहां पे कंट्रोल आई करते थे तो हमारा जो सिलेक्ट मैटर होता था क्या हो जाता था, थोड़ा सा तिरछा हो जाता था। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। क्या होता था? तिरछा करना। इटैलिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तिरछा करना। ठीक है, क्या होता है? तिरछा करना। हाँ, तो आपका क्या हुआ, हमारा इटैलिक टैग क्या होता है, तिरछा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बस सेम वही काम होता है, इटैलिक टैग का इस्तेमाल किसी भी कंटेंट को तिरछा करने के लिए हमेशा यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, जब हम लोग सिंटैक्स जैसे बोल्ड टैग का डिफाइन किए थे सेम वही आपका होगा, जहां पे हम लोग अपने कंटेंट को हाईलाइट किए थे वहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे आई टैग इस्तेमाल कर लेंगे, कंटेंट को डिफाइन कर लेंगे और वहीं पे आई टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसका भी विधिवत हम आपको एग्जांपल बताएंगे अपने, जब मैं टॉपिक पर आऊंगा तो बिल्कुल इसका भी एग्जांपल बताऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारा मैटर कहां पे इटैलिक हुआ है, कैसे हम लोग इसको आउटपुट देखेंगे। ठीक है, ये डियर बात हो गई आपका इटैलिक टैग। इसी के साथ दोस्तों एक फॉर्मेट टैग का मैं और इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, ऐसे बहुत फॉर्मेट टैग हैं, आज मैं इस क्लास में ज्यादा टैग नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग ध्यान से इसको समझो, पहले जानो, बहुत तेजी से बताने का मतलब है कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा टैग और इस्तेमाल कर लेते हैं डियर, जिसका नाम होता है अंडरलाइन टैग। क्या होता है? अंडरलाइन टैग। आते हैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अंडरलाइन टैग पूरा नाम होता है, तीसरा टैग अंडरलाइन टैग। इसी को डियर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं यू टैग। क्या कह सकते हैं? यू टैग। यू टैग कहीं अगर लिखा रहता है तो उसका मतलब आप लोग क्या समझोगे भाई? अंडरलाइन टैग। यदि अपने कंटेंट को आपको अगर अपने कंटेंट के नीचे अंडरलाइन डिफाइन करना हो, जैसे आप लोग एमएस वर्ड में जब रिज्यूमे बनाते थे, बायोडाटा बनाते थे, तो वहां पे देखिए जब हम लोग सेंटर अलाइनमेंट में उस टाइटल को देते थे तो टाइटल के नीचे आपका एक अंडरलाइन आता था ना, जैसे रिज्यूम लिखा होता था तो उसके नीचे एक अंडरलाइन हम लोग देते थे। क्यों? क्योंकि हमारा वो टाइटल था सबसे ऊपर, उसी तरीके से हेडिंग थी वो पेज में आपको जो दिखाई देती थी, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग के रूप में देखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अंडरलाइन टैग का यूज
जब हम अपने कंटेंट को हेडिंग स्वरूप में अंडरलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो वहां पे हमेशा हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इटैलिक आपका टैग जैसे इस्तेमाल हुआ था, जैसे बोल्ड टैग इस्तेमाल हुआ था, सेम उसी तरीके से आज ये टैग आपका अंडरलाइन टैग इस्तेमाल हुआ है। मतलब इसका भी सिंटैक्स सेम वैसे होगा। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल के साथ अपने डिटेल्स में बताऊंगा, जब मैं अपने चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा तो पूरा अलग अलग एग्जांपल कराऊंगा और एक एग्जांपल तीनों का मिक्सअप करा दूंगा, ठीक है। चलो डियर, इसी तरीके से हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हाँ, सिंटैक्स में आपका आ जाता है यू, आपने यू टैग इस्तेमाल कर लिया, जहां लगाना हो देने के बाद आपको पता है यू टैग को हमको क्लोज ही कर देना है। अभी हम सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम एग्जांपल की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल बिल्कुल मैं विधिवत लेके आऊंगा और डेमो क्लास के बाद जब ये चैप्टर में शुरू करूंगा डियर, तो पूरा वहां पे एग्जांपल भी आपको हम बताते रहेंगे, तब आपको तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि हमारा ये बोल्ड का कैसे आप लोगों को आउटपुट मिला, ये हमारा बोल्ड मिला, ये हमारा इटैलिक मिला, ये हमारा अंडरलाइन मिला। ये तीनों का अलग अलग यूज हम आपको बता देंगे। अब तीनों का जो आउटपुट आपको मिलेगा पेज में, यही मिलेगा, ध्यान रखना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ छोटा सा आउटपुट, यही आउटपुट है, देखो इधर, यही हमको तीनों का आउटपुट मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बोल्ड, ये हमारा हो जाएगा बोल्ड हाईलाइट हो गया, ये हमारा हो जाएगा इटैलिक, ये हमारा क्या हो जाएगा डियर इटैलिक, ये हमारा इटैलिक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया डियर अंडरलाइन, ये हमारा क्या हो गया अंडरलाइन। मतलब ये बोल्ड टैग इस्तेमाल हुआ, ये इटैलिक टैग इस्तेमाल हुआ, ये अंडरलाइन टैग इस्तेमाल हुआ, ओके। तीनों का अंतर देख लीजिए, एकदम आपका राइट है। अब इसी पर जब एग्जांपल करा देंगे तो इसकी हम लोग कोडिंग भी कर लेंगे अच्छे से, और कोड हमारा क्या होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको फॉर्मेटिंग टैग में ये तीन चार टैग का नाम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, तो तीनों का मैंने यूज भी बता दिया। फॉर्मेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट आपका बोल्ड हाईलाइट करने में, इटैलिक तिरछा करने में आई टैग का यूज, और अंडरलाइन लगाने के लिए हमेशा यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, एचटीएमएल में बहुत सारे टैग हैं, मैं हर एक टैग का यूज बताऊंगा, हर एक टैग का इस्तेमाल बताऊंगा। बस आप लोग डेली बने रहिए हमारे क्लास में, मैं आपको डेली नया नया टॉपिक बताता रहूंगा। तो डियर, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो विधिवत फिर और भी टैग के बारे में चर्चा करेंगे।